देखिए मैंने भी शादी किया था और मेरी दीदी भी शादी कर रही है। मांग में कहते हैं ना कि सिर्फ एक बार हस्बैंड सिंदूर भरते हैं और 8 जन्मों तक झेलना पड़ता है। झेलना पड़ता है, है ना? हाँ यही होता है। दीदी को जाने दीजिए, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं, हम अभी बुक्कू को पढ़ा रहे थे। दोस्तों हम पवन सर का फैन है, इसलिए पवन सर का गाना भी गाएंगे। मोटी जान मोटा पैसा दिखाते कोई मारे जैसा खेल में लप जमा कैसी चोरी चला वही पैसा ही पैसा। जान मोटा पैसा दिखाते कोई मारे जैसा खेल में लप जमा कैसी चोरी चला वही पैसा ही पैसा। देखिए अभी बेड निकाला जा रहा है, इतना बड़ा बेड। ये दोस्तों अभी बेड निकाला जा रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोस्तों देखिए हम सकते हैं, आज थोड़ा सा धूप था इसी वजह से हम लोग इसको निकाले। क्या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर सागर। हर महादेव, हर महादेव। दोस्तों आज है सोमवार, तो आज हम लोग सब परिवार चल रहे हैं नदी, और नदी से जल लेंगे और बाबा को जल चढ़ाएंगे। ये रेडी हो गई है, अभी जाके नदी में नहाना है, इसीलिए थोड़ा सा मतलब हम अच्छे से रेडी हुए, क्योंकि नदी उधर बहुत लोग रहते हैं, भीड़ वगैरह रहता है, तो वहाँ जाके डुबकी लगाएंगे और जल लेके आएंगे और बाबा को चढ़ाएंगे। और आज मेरा छोटा वो पहली बार पानी उठाएगा ना, छोटा बाबू मुंह से उंगली हटाओ बेटा, उंगली हटाओ, और हम लोग भोले बाबा को चढ़ाएंगे। हैं चलो। तो गाइस हम लोग बाइक से आज जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा नदी दूर है, तो हम लोग पानी लेके आएंगे, फिर वहाँ से चलेंगे ना छोटा बाबू, नहाने जाएंगे। चलिए तो दोस्तों ये है वो रास्ता जिससे हम लोग जा रहे हैं नदी की, और जो हमारा ब्लॉग पहले देख चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि ये जंगल का रास्ता है हमारा। अभी हम लोग जा रहे हैं नदी की ओर, और जंगल है लेकिन मतलब यहाँ जंगली जानवर नहीं मिल सकते। अच्छा है और साफ सुथरा जंगल है हमारा, कोई मतलब यहाँ पे गंदगी भी नहीं है, बहुत साफ सुथरा। और ये है एक यहाँ का हाई स्कूल, यहीं से अरब के पापा का भविष्य उज्जवल हुआ है। ये देख सकते हैं बगुला, वाह इसका बोलते हैं ना, इसकी चाल ही मस्त होती है क्या। और यहाँ पे हमारी गौ माता, और ये नदी तो दिख रहा है लेकिन बहुत ज्यादा मतलब घना जंगल दिख भी रहा है। छोरा बाबू उतर गया, तुम नहाओगे ना, छलांग लगाओगे। ओ माय गॉड, टच मी नॉट, पूरा टच करो पूरा, सब चल गया गायब। देखिए कैसे हो गया, देखा इतना दूर नदी किसे, इतना दूर ही नदी होता है, घर के पास अगर नदी होगा तो घर बह जाएगा ना। चलो चलो, फाइनली हम लोग नदी पहुंच चुके हैं, और ये नदी से पहले जंगल पड़ता है जैसे आशा आप सबको बताई, तो देखिए कितना घना जंगल है, चारों तरफ जंगल ही जंगल है। नहीं इधर देख सकते हैं काफ़ी ढलान है, सो बाइक यहीं पे स्टैंड कर दिया है और नीचे जा रहे हैं नदी की ओर। हरे हरे भोले।
तो फाइनली दोस्तों हम लोग नदी आ चुके हैं और ये हमारा नदी बहता हुआ, पानी कम है ना, पानी कम है, देखिए आप सबको दिखाते हैं, देखो पानी कम बह रही है लेकिन नदी एकदम ग्रीन नदी है, देखिए नदी। और वहाँ से है हमारा हाईवे, और ये हमारा हाईवे देखिए दिखाते हैं, ये डबल पुल ऊपर में चलती है गाड़ियाँ, नीचे भी चलती है ना। पानी देख के तो मन कर रहा है नहाने का लेकिन डर लग रहा हमको। अगर हम छलांग मारे ना तो हम बह जाएं। बता रहा है कैसे छलांग मारना है, मारा जाता है। हाँ, अभी हम और छोटा बाबू अभी यहाँ पे बैठ के आप लोग को एक गाना सुनाएंगे। छोटा बाबू जल्दी से सुना दो। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, घास खाई गैया। हाँ वो सब घास है बेटा, और वो पीछे है ताल का पेड़ है, वही ताल बोलते हैं। सो फाइनली दोस्तों हम लोग नहा लिए हैं और पानी भी ले लिए हैं, और ये देखिए हमारा छोटा बाबू भी नहा के एकदम रेडी हो गया है ना छोटा बाबू, और आशा भी एकदम जल ले लिए हैं, और देखिए एकदम कैसे मतलब ग्रीन मेघ येलो येलो नज़र आ रही है ना। तो चलिए अब चलते हैं दोस्तों मंदिर की ओर, चलो छोटा बाबू चल पाएगा, जा पाएगा नहीं जा पाएगा। दोस्तों जस्ट हम लोग अभी नहा के पूजा वूजा करके अभी घर आए हैं, और ये देखिए आशा कपड़ा भी चेंज नहीं की है ना, तो कपड़ा चेंज कर लीजिए क्योंकि दीदी आने वाले हैं, तो दीदी के लिए अच्छा सा कुछ खाना वाना बनाना पड़ेगा जल्दी है ना। चलिए तो अभी फिलहाल आ चुके हैं घर, और घर आके थोड़ा बहुत पूजा कर ली, और यहाँ छोटा बाबू को दे दिए हैं नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में आज बनाई थी इडली और चटनी। चलो क्या खा रहा है। हाँ दीदी आ गई बोल बम से, वो भी पैदल पैदल। तो दोस्तों जैसे कि दीदी आई बोलबम से चिड़का धाम से पैदल यात्रा करके, तो आने के बाद भाई अकेले दीदी ने पुण्य कमाया तो मुझे भी तो पुण्य थोड़ा सा कमाना था, इसी वजह से मैंने दीदी के पैरों को धुलाया। और मेरे पास कांसे का लोटा तो था लेकिन कांसे का प्लेट नहीं था, पर कोई नहीं स्टील का प्लेट में ही रख के मैंने उनका पैर को धुलाया, क्योंकि इतना दूर से पैदल चल के आई थी, पूरा उनका पैर भी सूजा हुआ था तो अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम चल नहीं पा रही थी वो, तो हमको उनका पैर ऐसे थोड़ा पानी वानी दे के धोने से हमको भी थोड़ा अच्छा लगा, पर मैंने उनका पैर तो धुलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भी है और प्रसादी दे रही है आशा को है ना, तो सबके लिए प्रसादी है, लेकिन अभी तो आशा ले रही हो ना। तुमको भी बेटा, तुमको क्या दे दिए, देखो दीदी ला दी है इसके लिए जैसी भी खिलौना ला दिए ना, कौन ला दिया बाबू, बुआ ला दिए। चलिए ये प्रसादी दे रही है दीदी आशा को, नहीं मिलेगा ये छोटा बाबू खोज रहा है मेरा पेड़ा, यह देखिए पेड़ा, और आशा प्रणाम कर रही है दीदी को। अरे बाप रे देखिए हमको कितना सारा चीज मिला। अच्छा ये देखिए मोती, मोती का हार। अच्छा वाह वाह, देखिए मैंने भी शादी किया था और मेरी दीदी भी शादी कर रही है। मांग में कहते ना कि सिर्फ एक बार हस्बैंड सिंदूर भरते हैं और वो जन्म जन्मांतर का वो रिश्ता बन जाता है, और रिश्ता होता है ना 7 जन्मों तक झेलना पड़ता है, झेलना पड़ता है। हाँ यही होता है, दीदी को जाने दीजिए ठीक है। छोटा बाबू क्या खा रहा है, एक हाथ में
समोसा और दूसरा हाथ में पेड़ा। दो हमको, दो पेड़ा, दो पेड़ा, दो मुंडा भूले गए। ओ बाबा रे, चिट्टी लग गई तो चिट्टी। ये तो लो ना, चिट्टी लग गई तो बाबा चिट्टी। हर हर महादेव। ये हमारे झारखंड के और बंगाल के प्रसिद्ध मंदिर गोरीनाथ धाम, चिड़का धाम जिनका प्रसिद्ध नाम है, वहाँ गए थी हमारी दीदी, और वो भी पैदल 40 किलोमीटर यात्रा तय करने के बाद बैठी आई थी दीदी। और कल हमने आपको वीडियो मतलब बना दिया है, आप देख लीजिएगा, कल आई थी दीदी। उसके बाद दीदी यहाँ से निकली, कल पूरा इन्होंने मतलब मीठा खा के पार किया था ना, और आज सुबह सुबह 4 बजे इन्होंने पूजा किया और फिर वहाँ से पैदल वापस। अभी लगभग दोपहर के 1 या 2 बज रहे हैं और अभी ये वापस घर आई हैं। बड़ी ताकत होती है श्रद्धा भाव अगर आपके अंदर है। Ha ha ha.